अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है हमारा पेज नंबर 66 आप ओपन कर लें, अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज़। क्यों होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? तो सबसे पहले आपकी बुक से पढ़ता हूँ। अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनको क्या बोला जाता है? पैराफिन्स। अब पैराफिन से क्या मुराद है? पैरा मतलब लिटल, छोटा, एंड एफिन मीन्स अफिनिटी। अफिनिटी मतलब होता है कि कभी ख़त्म ना होने वाला, लगातार। देयर जनरल फार्मूला इज़, इनका जनरल जो फार्मूला है CnH2n+2। अब इसका जो जनरल फार्मूला है इसके अंदर ये होता है कि ये जो जहाँ पे n है, मतलब अगर कार्बन दो है तो वो जो n C के साथ आएगा वही n, मतलब उस n में जो अपनी कीमत पुट की है वही n जो है हाइड्रोजन के साथ जो 2n आ रहा है उसी के साथ आएगी। इधर मैं लिख देता हूँ CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पे आपने जहाँ पे n की कीमत आपने कार्बन के साथ लाइक अगर 2 पुट की है, ठीक है, अगर आपने सपोज कि अगर आपने यहाँ पे 2 पुट की है तो वहाँ पे नेक्स्ट भी आप 2 ही पुट करेंगे। ठीक है, ये इसका है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकी रेंज कितनी है, एल्केन्स की रेंज कितनी है, 1 to 40, यानी कि 40 आलमोस्ट कंपाउंड जो इसके जो पाए जाते हैं, इसकी जो रेंज है। इन दिस वे एल्केन फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब होमोलोगस, इसके नेम से जाहिर है होमोलोगस एक जैसी, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स तकरीबन एक जैसी होती हैं लेकिन थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। वो किस हिसाब से होती हैं वो होमोलोगस सीरीज, इसकी प्रॉपर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं पढ़ने लगा आपकी बुक से। इसके अंदर सबसे पहले जो पाया जा रहा है, यहाँ पे स्पेलिंग्स का डिफरेंस है और ये आपने बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट केमिस्ट्री को अगर आप लेकर चलेंगे तो आपको इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होगी। इसमें सबसे पहले एल्केन है, ठीक है, फिर एल्कीन्स है और फिर एल्काइन्स है। ये तीन चीज़ें, अब इनके जनरल फार्मूलाज भी थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। अब एल्केन में क्या है कि सेम वही फार्मूला है, ठीक है। एल्केन्स में क्या हुआ है कि जो यहाँ से प्लस टू था वो हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे देखिए आप कि प्लस टू हमने ख़त्म कर दिया है। और एल्काइन्स में क्या किया है कि वो जो प्लस टू था उसकी जगह पे हमने -2 लिख दिया, ठीक है। ये इसका सिंपल फिनोमेना है। एल्केन में क्या किया, प्लस टू, एल्कीन में मतलब आप ये कॉन्सेप्ट लें कि बिल्कुल न्यूट्रल, और एल्केन में क्या कि वहाँ से आगे माइनस एल्काइन में, ठीक है। ये इसका सबसे पहले जिसके जनरल फार्मूला, ये रिस्पेक्टिवली इस तरह से जो है इसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होते हैं। उसके बाद इसका है कि इसके अंदर जो मेंबर्स हैं जब उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो किस बेस पे आएगा, CH2 बॉन्ड की बेस पे आएगा, ठीक है। अब CH2 का अगर हम मॉलिकुलर मास देखेंगे तो वो कितना होगा, 40, और उनके 14। अब उनके मॉलिकुलर मास भी अगर हम मेजर करेंगे तो उसमें अगर इस मतलब CH2 अगर हमने वहाँ से निकाला है, ठीक है, तो जो मॉलिकुलर मास है वो 14 माइनस हो जाएगा। अगर हमने CH2 प्लस किया, ऐड किया है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसका जो मॉलिकुलर मास है वो सॉरी ऐड किया अगर तो वो प्लस हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन में यहाँ पे देखिए आप CH2 दो पाए जा रहे हैं। अब इसमें से अगर हम एक निकाल देते हैं तो वो प्रोपेन बन जाता है, ठीक है, यानी कि CH2 एक रिमूव हो गया। अब CH2 रिमूव होने के साथ इसका जो हमारे पास जो उसका मॉलिकुलर मास होगा वो क्या होगा, 14 कम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका है कि इसकी जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होंगी बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप की छोटी सी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप एक प्रॉपर एक ग्रुप होता है जो उस कंपाउंड के या उस सीरीज़ के सब जितने भी कंपाउंड्स उनके साथ आएगा वो, ठीक है, वही उसकी पहचान होगी। तो वो फंक्शनल ग्रुप ही इस चीज़ की इस चीज़ का जिम्मेदार होगा कि उनके अंदर कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब वो फिर सब के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो क्या होगा कि उनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी ऑल टुगेदर, मतलब शुरू से लेकर एंड तक सब में सेम होंगी, ठीक है। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज मतलब हल्की सी सिमिलर चेंज आएगा, अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल सेम होगी वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से। जैसे हम देखते हैं कि बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि वो एरोमेटिक मतलब स्मेल फ्रेगनेंस है उसका एक स्पेसिफिक। अब उसके अंदर क्या होगा, अगर वो बेंजीन को एज अ फंक्शनल ग्रुप लेते हैं तो जिसके साथ बेंजीन रिंग लगेगा उसके अंदर से वो फ्रेगनेंस आना शुरू हो जाएगी, उसमें से वो एक खास अरोमा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका है फंक्शनल ग्रुप का भी। और इसका आगे हम मतलब डीपली इसकी स्टडी जो है इसी चैप्टर में आगे चल के हम करेंगे, एक एक फंक्शनल ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट और इनके मेल्टिंग पॉइंट। जैसे जैसे इसके अंदर ये CH2 बॉन्ड ऐड होता जाए, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास 14 बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अगर हम ऊपर को जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी हाई होते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे को आते चले जाएंगे वैसे वैसे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हैं वो कम होते चले जाएंगे।
ठीक है। अब उसके अंदर है कि नेक्स्ट है दे कैन प्रिपेयर, ये सिंपली जनरल मेथड के साथ प्रिपेयर हो जाते हैं, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो भी हम आगे चल के डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमारे पास होमोलोग सीरीज का था कि इसको कैसे। अब इनके अंदर है कि इनका इनके ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो इसी वजह से अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से ये इतनी ज़्यादा मिकदार मिलियंस की तादाद में कैसे पाए जाते हैं। कि एक सिमिलर छोटे छोटे चेंजेस जो हम पहले पढ़ के आए, कैटिनेशन में हमने पढ़ा, ठीक है, फिर हमने कोवलेंट लिंकेज में पढ़ा, ठीक है, फिर उसकी मल्टीपल बॉन्डिंग में पढ़ा कार्बन की, किस तरह से वो हल्की सी बिल्कुल माइनर सी चेंज के साथ वो क्या करता है, पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो चेंज हो जाता है। अब आगे पूरी पूरी सीरीज आ चुकी है कि पूरी की पूरी सीरीज जिसका हम होमोलोग सीरीज बोल रहे हैं वो किस तरह से उसके अंदर आगे फिर किस तरह से चेंजिंग शुरू हो जाती है। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी कि जिस चीज़ के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है, तो उस सीरीज के जितने भी चीज़ें हैं जिनके अंदर वही फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा, क्या होगा कि उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम एज इट इज़ रहेंगी, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी। और इसका जो मेन ओरिजिन है वो तो आप सब जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन ही होंगे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन इनका मेन रीजन है और वही इनकी जो है वो बेसिक रीज़न जो है, बेसिक जो इनकी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रोडक्शन की मेन रीज़न है वो यही है और यही एट्रीब्यूट है उनके, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।